सुन, तुझे ना एक हेल्प करना होगा। कैसा हेल्प? तो तू समझ गई है ना तुझे क्या करना होगा? प्लीज तू हेल्प कर दे, प्लीज प्लीज प्लीज। बट मैं ही क्यों? तुझे पता है ना हम एक कैसा लड़का है, कोई भी लड़की के पास नहीं जाता है। तो तू और मैं ही ऐसा लड़की है जिसके साथ उसका कोई मेमोरीज हो, और मैं तो जंकु का फियांसी हूँ, तो ये काम तो मुझसे नहीं होगा, तुझे ही करना पड़ेगा। प्लीज मान जा, हमारे हॉबी के लिए मान जा प्लीज। ओके फाइन, मैं आज से तेरे एंगेजमेंट में पहुंच जाऊंगी। थैंक यू। डैड, आप क्या मुझे बुला रहे थे? हाँ बेटा, इधर आके बैठो। वाइन डॉक्टर अंकल के पास बैठने के बाद। सॉरी बेटा, मैं तेरे बारे में सोचा ही नहीं था। मैं तुझे जीहोप को शादी करने के लिए फोर्स कर रहा था, बट जीहोप ने मेरा आज आँख खोल दिया है। वो मुझे समझाया है कि तेरा भी तो कोई एम रह सकता है। सो मैं और तुझे जीहोप को शादी करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, तो जो करना चाहता है वो कर। थैंक यू पापा, अब मैं मेरे स्टडी पे और फोकस करूँगी और आपके तरह एक डॉक्टर बनूंगी, आपके तरह लोगों को मदद करूंगी। एंड आपको भी थैंक यू दोस्ती में। नो सॉरी, नो थैंक यू। ओके सब तो ठीक है, लेकिन अब हॉबी का क्या होगा? मतलब जिमिना का जो सिचुएशन है, उसे जल्दी से जल्दी शादी देना होगा, बट घर के बड़े बेटे कुमारा ही रहेगा और छोटी बहन का शादी हो जाएगा, ये कैसा लगता है ना? कोई बात नहीं मम्मा, कुछ नहीं होगा, मैं पहले अच्छी तरह से एस्टेब्लिश हो जाता हूँ, इसके बाद शादी कर लूंगा। अब जिमिना और जंकू का शादी करा दो, कुछ नहीं होगा। नहीं भाई, बहुत कुछ हो जाएगा। मतलब? देख, तू भी यंग है, लेकिन तब भी तेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बट तब तो तू बुड्ढा हो जाएगा, तो तब तुझे कौन शादी करेगा? देख, अब तेरे लिए हम कोई बुड्ढी को कम से कम जुगाड़ कर पाएंगे, बट तब तो वो भी नहीं मिलेगा। भाई, मुझे लगे तुझे इतना सोचने का कोई जरूरत नहीं है। एक काम करते जंकुक, पहले जिमिना का शादी दे देते हैं, बाद में जीव के बाद तेरा शादी दे देंगे। ये कैसे बात हुआ? भाई देख, तेरी वजह से मेरा शादी रुका ना, तो मैं सच्ची में तुझे बुड्ढी के साथ ही शादी दे दूंगा। रहने तो जिन, हम बाद में जीव को शादी दे देंगे। आपका जैसा मर्जी। एक हफ्ते बाद घर में शादी है और आज एंगेजमेंट, बहुत सारा काम है। तुम लोग बातें करो, मैं जा रहा हूँ। मुझे भी जाना है। इसके बाद लिविंग रूम से सारे बड़े चले जाते हैं और बाकी सब लोग मस्ती करने लगते हैं। वाइन, तुम्हें पता है, जो बहुत अच्छा डांसर भी है, हमारे कॉलेज के लास्ट ईयर एनुअल फंक्शन में वो डांस किया था, ये देखो। जितना इनोसेंट दिखते हो, इतना भी इनोसेंट नहीं हो तुम। एक गर्ल के साथ डांस कर रहे हो। वाइन, ये अच्छा है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। अब तो बहुत अच्छा डांस करते हो लड़कियों के साथ। लग तो रहा है कि अब चाहोगे तो डांस के ऊपर भी करियर बना सकते हो। उतना भी खास नहीं, बट थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। जंकुक जिमिना से बड़ा है, इस वजह से जंकुक का एंगेजमेंट पहले होता है। माय चाइल्डहुड लव, माय प्रिंसेस, माय एवरीथिंग, प्लीज एक्सेप्ट मी एज योर फ्यूचर हस्बैंड। बेटा, अभी भी टाइम है, सोच ले एक बार। हाँ दी, अभी भी टाइम है, अपने जीवन को ऐसे बर्बाद मत करो। दी, इतना क्यों सोच रहा है? नो बोल दे। हाँ, ये मेरा ही घर है तो, और आप लोग मेरे ही घर वाले हो ना? मम्मा, आप भी। ते, तुम उन लोगों की बातों को इग्नोर करो। हाँ आंटी, मैं वही सोच रही हूँ, क्या करना चाहिए। प्लीज ते, अब तो ऐसी बातें मत बोलो ना। दी, ये अगर इतना सोचने वाला बात क्या है, जस्ट नो बोल दे। सुग्गा, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। बट प्लीज ते, हाँ बोल दो ना, इतना क्यों सोच रहे हो? ओह माय क्यूट लिटिल हस्बैंड, तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? तुम्हें क्या मेरे पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है? ऑफ कोर्स यस,
I accept you as my future husband. Thank you so much, Dad. इसके बाद जंग कुत्ते को अपने आर्म्स पे कैरी करके उसे किस कर लेता है। भाई छोड़ दे, एंगेजमेंट है आज, वेडिंग नाइट नहीं। इसके बाद ते और जंगकुक का एंगेजमेंट हो जाता है। मेरा प्रिटी, क्यूटी और सिट्टी किटी, मैं तुम्हें और तुम्हारी जीत को संभालने के लिए बहुत दिन से वेट कर रहा हूँ। तो प्लीज और मुझे वेट मत कराओ। सो प्लीज एक्सेप्ट मी। ओके यंगी। सॉरी, मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया। ये तो वही लड़की है ना जो चीफ के साथ डांस कर रही थी। अरे कोई बात नहीं, तू रेडी है ना? यस। इसके बाद ते रियुजिन के कान के पास जाके कहती है, तो स्टार्ट करते। एक्चुअली ते फोन पे जिस लड़की के साथ बात कर रही थी वो रियुजिन ही थी। हाय जेहोप, ये कैसा लड़की है, जितना भी अच्छा फ्रेंड हो आकर ऐसे हक करना होगा। देख कमीना, तेरे लिए अब क्या क्या करना पड़ रहा है। खुद तो तू कुछ कर नहीं पाएगा, तो हम जो बोलेंगे तुझे वही करना होगा। हाँ बाबा ठीक है, ते ऑलरेडी मुझे समझा चुकी है। बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है, अब छोड़ दे। तू तो आज बहुत हैंडसम लग रहा है, कैसा है बोल। मैं ठीक हूँ, तुझसे बहुत दिन बाद मिलके बहुत अच्छा लगा। हाँ लगेगा ही, तो डांस पार्टनर जो है। अंकल आंटी ये देखो, रियुजिन मेरा पेस्टी, मेरे शादी तक यहाँ पर ही रहेगी। एक्चुअली सब लोग मिलके डिसाइड कर चुके थे कि ते और सुगा इस घर में ही रहेंगे। वो ये तो बहुत अच्छा बात है, तुम बहुत क्यूट हो। थैंक यू आंटी। इसके बाद से रियुजिन वाइन के सामने जेहोप के साथ ज्यादा चिपक के रहती थी, जो वाइन को एकदम भी अच्छा नहीं लगता था। टेकुक और इयोन मिन की शादी के 3 दिन पहले। और 3 दिन इसके बाद मुझे ऐसे चले जाना होगा, मुझे ऐसे जाना अच्छा नहीं लग रहा है। काश मैं यहाँ पर और ज्यादा रह पाती। हाँ तू यहाँ पर और रह सकती है, तो एक काम कर, तू हबी को शादी कर ले, तो होल लाइफ यहाँ पर ही रहेगी। तू भी ना। हाँ ये आइडिया तो गलत नहीं है, तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हो और एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते भी हो। दी तुम्हें क्या इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम है? एक्चुअली नो। हाँ अभी अभी प्रपोजल दिया और वो एक्सेप्ट भी कर ली। और भाई तुझे कोई प्रॉब्लम है? ऑफ कोर्स उन्हें प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उन्हें तो अपने स्टडी और करियर में फोकस करना है ना। मॉम डैड जो चाहेंगे मैं वही करूँगा, और वाइन मैं शादी के बाद भी अपने करियर पे फोकस कर सकता हूँ, तो हम जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। इसके बाद वाइन के सामने यूजिन के पेरेंट्स और जीहोप के पेरेंट्स बात करके उन दोनों का शादी फिक्स कर लेते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली हवी का शादी भी फिक्स हो गया। तो कल जीहोप और यूजिन का एंगेजमेंट होगा और दिन तीनों का एक साथ ही शादी हो जाएगा। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। नेक्स्ट डे जेहोप का एंगेजमेंट का तैयारी होता है और इधर फाइन मुंह फुला के बैठी रहती है। एंगेजमेंट स्टार्ट होने का कुछ देर पहले वाइन खुद को अपने रूम में डोर लॉक कर लेती है। वाइन बेटा क्या हुआ है, दरवाजा खोलो। वाइन बेटा तुम्हें क्या हुआ है, तुम दरवाजे बंद करके क्यों हो? बट वाइन किसी को कोई रिप्लाई नहीं देती है। वाइन क्या हुआ है, दरवाजा बंद करके क्यों हो? देखो सब लोग टेंशन कर रहे हैं, दरवाजा खोल दो। बाहर आओ वाइन, कुछ देर बाद ही मेरा एंगेजमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और तुम मेरे एंगेजमेंट में क्या नहीं रहोगे? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जाओ ना अपने फियांसी के पास, कोई भी मेरा बात नहीं समझता है। सब लोग यहाँ से चले जाओ और मुझे तंग मत करो। ये कहने के बाद ही वाइन अपने रूम की चीजें फेंकने लगती है। वाइन की ऐसे बिहेवियर से सब लोग डर जाते हैं, स्पेशली जीहोप, क्योंकि उसे पता है कि वाइन एक बार सुसाइड करने की कोशिश की थी। वाइन बेटा ये क्या कर रहे हो तुम, दरवाजा खोलो। वाइन वाइन दरवाजा खोलो, क्या कर रहे हो तुम अंदर?
लेकिन वाइन दरवाजा नहीं खोलती है, इस वजह से सब लोग मिलकर दरवाजा तोड़ देते हैं। रूम के अंदर आते ही जे होप तुरंत वाइन के पास जाता है। क्यों आए हो तुम यहाँ पर? चलो जाओ ना अपने फियांसे के पास, मेरी बात तो कभी सुना ही नहीं, अब क्यों आए हो? चलो जाओ तुम। ऐसे रोते रोते वाइन बेहोश हो जाती है। एक्चुअली जिस दिन से जे होप का शादी फिक्स हुआ था उस दिन से वाइन ठीक से खाना नहीं खाती थी, इस वजह से वो बहुत वीक हो गई थी, तो इसलिए ये वाइन बेहोश हो जाती है। वाइन की होश आने के बाद, वाइन तुम ठीक हो ना? जे होप को अपने पास देख के वाइन जे होप को हग कर लेती है। प्लीज डोंट वरी यार। इसके बाद जे होप के चेस्ट पे हिट करते करते बोलती है, तुम बहुत गंदे हो, मैं तुम्हारा फियांसे हूँ और मैं रहते तुम और किसी को कैसे शादी कर सकते हो? तुम बहुत गंदे हो, तुम तो एंगेजमेंट भी कर लिए हो ना, तो यहाँ पर क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। वाइन जे होप को बहुत ज्यादा हिट कर रही थी, इस वजह से जे होप वाइन को हग कर लेता है। वाइन शांत हो जाओ, मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो वाइन, मेरा एंगेजमेंट नहीं हुआ है। वाइन तुम बोल रहे हो कि मैं यूजिन को शादी ना करूं, तो मुझे शादी कौन करेगा? तुम ही बोलो। मैं करूंगी। ये प्लान सक्सेसफुल। हाँ मतलब ये सब कुछ हमारा प्लान है। जे होप यूजिन से शादी नहीं कर रहा है। एंड सॉरी, मैंने आपकी डायरी पढ़ ली थी। तो अब चलो पूरा कंफ्यूजन को दूर करते हैं। जिस दिन वाइन भाग गई थी उस दिन ते वाइन की रूम को सर्च करते करते उसकी डायरी ढूंढ पाती है, और डायरी के एक पेज में वो देखती है कि वाइन जे होप के बारे में बहुत कुछ लिख के रखा है, जैसे कि वो जे होप को प्यार करती है, उसके साथ पूरी जिंदगी रहना चाहती है, शादी के बाद उसके दो बेबी हो ये चाहती है, ऐसे ही बहुत कुछ। ये सब कुछ डायरी में फ्रेशली लिखा हुआ नहीं था, क्योंकि वाइन ये सब कुछ लिखने के बाद उस पेज के कट मार्क कर दी थी। उस पेज को देख के समझ आता है कि वाइन ये सब कुछ अपने ख्यालों में लिख रही थी। और देखो, तुम बहुत दिन पहले से ही जे होप को ही प्यार करते थे। काय को तुम प्यार नहीं करते थे, वो सिर्फ तुम्हारा अट्रैक्शन था, और तुम्हें हम ये बात मनाने के लिए ही हमने इतना ड्रामा किया। एंड डोंट वरी वाइन, मैं तुम्हारे जे होप से शादी नहीं कर रही हूँ, नेक्स्ट मंथ मेरा शादी है। इसके बाद स्पेसिफिक दिन में देखो योमिन जे होप और वाइन की शादी हो जाता है। ते सुनो ना, मुझे ना लिटिल ते चाहिए। नहीं अभी नहीं, मैं अभी दो दो बेबी को संभाल नहीं पाऊंगी। क्या तुमने मुझे फिर से बेबी बोल के टीज किया? वेट, आज तुम इस बेबी का अलग ही रूप देखोगी। नो नो जंगक, यू आर गुड बॉय ना? नो बेबी, आई एम अ बैड बॉय। जंगक, शश, बेबी डोंट मेक अ साउंड। जिमिना को हेवी वेडिंग ड्रेस पहने रहने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था, इस वजह से वो जस्ट एक शर्ट पहन लेती है। शुगा रूम पहनने के बाद जब ये देखता है, मुझे मैं खुद को और कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, प्लीज मुझे। बट योंगी हमारे बेबी। आई प्रॉमिस मुझे, मैं जेंटल रहूंगा। योंगी लव यू मुझे। लव यू टू योंगी। ऐसे ही योनमिन अपने ड्रीम वर्ल्ड में चले जाते हैं। तुम्हें आज मेरे साथ एक बेड में सोने में अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, तो मैं सोफे पे सो जाता हूँ और तुम बेड पे सो जाओ। क्या हुआ है, तुम क्या मुझे कुछ कहना चाहती हो? तुम्हें और किसी लड़की के साथ चिपक कर रहना अच्छा लगता है, और अपने वाइफ के साथ एक बेड पे रहना प्रॉब्लम लगता है। ऐसा नहीं है वाइन, मैं तो तुम्हारे बारे में ही। घंटे समझते आप मुझे। मैंने क्या आपको बोली थी मैं आपको शादी करना नहीं चाहती हूँ? लेकिन आप तो बहुत समझदार है ना, पापा को जाकर बोल दिया मैं आपको शादी नहीं करना चाहता हूँ, और आप बोल रहे हो कि मैं एक बेड में नहीं रहना चाहती हूँ। ओके सॉरी बाबा, मेरा ही गलती है। तो तुम अब सो जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। नहीं नहीं एक काम करो, आप सोफे पे ही सो जाओ,
फर्स्ट नाइट है, आपको अच्छे से सोना जरूरी है ना। ये बोलने के बाद वाइन मुफला के बेड पे लेट जाती है और इतने देर बाद चीफ को समझ आता है कि वाइन क्या चाहती है। सॉरी, मैं तुम्हारी बात को समझ ही नहीं पाया। तुम क्या मेरे बेबी का मॉम बनोगी? ये सभी प्रॉमिस मी कि तुम काय की तरह मुझे हर्ट नहीं करोगे। प्रॉमिस वाइन, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगा। इसके बाद दोनों अपने ड्रीम वर्ल्ड में चले जाते हैं। ऐसे ही ये स्टोरी यहाँ पर ही खत्म होता है। बहुत सारे आदमी का रिक्वेस्ट था कि मैं स्टोरी को जल्दी से खत्म करूँ, तो ये लोग खत्म कर दिया। और जिन्हें बेबीज देखना है तो और कोई स्टोरी में देख लेना। एंड प्लीज नेक्स्ट पार्ट कमेंट मत करो। बाय बाय आमीन।